वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए औपचारिक पत्र लिखने का तरीका सिखाऊंगी कि औपचारिक पत्र किसे कहते हैं और औपचारिक पत्र किस तरह से लिखा जाता है। तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सभी औपचारिक अनौपचारिक पत्र मिल जाएंगे, सभी तरह के निबंध मिल जाएंगे। आप उनको निबंध की तरह भी लिख सकते हैं, प्रोजेक्ट और असाइनमेंट में भी लिख सकते हैं। तो औपचारिक पत्र क्या है? कार्यालय से संबंधित जितने भी पत्र होते हैं औपचारिक पत्र कहलाते हैं। जैसे कि स्कूल के प्रिंसिपल को लिखा गया पत्र, किसी कार्यालय यानी कि अखबार के दफ्तर को लिखा गया पत्र, व्यापार से संबंधित, सूचना देने से संबंधित, शिकायत करने से संबंधित, पूछताछ करने से संबंधित और आवेदन देने से संबंधित, यानी कि जॉब से रिलेटेड कोई भी पत्र लिखेंगे तो वो भी औपचारिक पत्र ही कहलाएगा। अनौपचारिक पत्र आपको पता है क्या है? सगे संबंधियों और रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं। तो सगे संबंधियों और रिश्तेदारों को न लिखे जाने वाले पत्र जितने भी होंगे, जितने भी बचेंगे, वो औपचारिक पत्र कहलाएंगे। यानी कि कार्यालयी कामों से संबंधित जितने भी पत्र होंगे औपचारिक पत्र कहलाएंगे। तो यहाँ पर आपको आवेदन पत्र लिखना है। आवेदन पत्र का नमूना किस तरह से लिखा जाता है? देखो, पद जिसके लिए आवेदन दिया जा रहा है कि आप जिस जॉब के लिए आवेदन दे रहे हैं, पहले उसका नाम लिखोगे, जैसे कि हिंदी अनुवादक, फिर अपना नाम, पता, जन्मतिथि, वर्तमान पता लिख दोगे, फिर स्थायी पता लिख दोगे। क्या आप अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के हैं? नहीं। यदि हाँ तो जाति लिखिए। क्या आप भारतीय नागरिक हैं? हाँ। अपनी फिर आपको शैक्षणिक योग्यताएं लिखनी है। इतनी बात समझ में आ गए? सबसे पहले लिखेंगे पद का नाम, जिस पद के लिए आवेदन किया जा रहा है, नाम, पता, जन्मतिथि, वर्तमान एड्रेस और फिर लास्ट के अंदर शैक्षणिक योग्यताएँ। तो शैक्षणिक योग्यताओं में सबसे पहले परीक्षा लिखेंगे, फिर उसकी परसेंटेज, फिर उसका साल, फिर बोर्ड का नाम और फिर आपने किस विषय के अंदर अपनी डिग्री हासिल की है उस विषय को भी लिखेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेंगे। फिर अपने काम करने का अनुभव भी बताएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, गत एक वर्ष से जीवन बुक्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड संस्था में इसी पद पर कार्यरत हूँ। प्रमाण पत्र संलग्न है साथ के अंदर। मैं प्रमाणित करता हूँ कि जो सूचनाएं इस आवेदन पत्र में दी गई हैं वे पूर्णतः सत्य हैं। आवेदक के यहाँ पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। फिर नाम लिख दो, रवि कुमार। डेट लिख दो, डेट में मंथ नेम को स्पेलिंग के साथ लिखोगे। समझ में आ रहा है कि आवेदन पत्र किस तरह से लिखते हैं? ये एक आवेदन पत्र है। संलग्न के अंदर क्या क्या मतलब, आपने अपने आवेदन पत्र के साथ क्या क्या अटैच किया है? सभी जितनी भी डिग्रीज हैं, सभी अर्हताओं के प्रमाण पत्रों की फोटोस्टेट प्रतिलिपियाँ। याद रहेगा क्या लिखोगे? संलग्न के अंदर जो जो चीज़ें अटैच की हैं वो लिखना ज़रूरी होता है। संलग्न है साथ में सभी अर्हताओं के प्रमाण पत्रों की फोटोस्टेट प्रतिलिपियाँ। तो समझ में आ गए कि आवेदन पत्र किस तरह से लिखा जाता है? बिल्कुल ईजी सा है, याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। सेल्फ नॉलेज से आप अपने आप कर सकते हैं इसको। बस लिखने का तरीका पता होना चाहिए कि पहले क्या चीज़ लिखनी है और एंड के अंदर आपको क्या लिखना है।